सा है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण इस बात के अंतर्गत है, तीन चार बिंदु दिए हैं कि सबसे पहला परिचय, दूसरा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तीसरा है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, चौथा है एक नए संविधान की ओर, पांचवा है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस पाठ में सबसे पहली बात ये बताई है कि अगर हमको और नागरिकों को सरकार दोनों को एक करना है और ऐसे नियमों को अगर एक जगह रूप में रखते हैं तो वही संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने के कारण हमारे देश की सरकार उनके अधिकार, उनकी शक्ति और उनके कामकाज करने का तरीका ये सब भी हमारे संविधान के ऊपर ही निर्धारण करता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। इस अध्याय में कई प्रकार के बुनियादी सवाल उठेंगे, जैसे संविधान की जरूरत हमको क्यों पड़ी, संविधान कैसे बनता है, संविधान कौन बनाता है या किस तरीके से बनता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं और संविधान बन गया तो बन जाने के बाद में भी हम उसके अंतर्गत कौन कौन से बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है। इसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल भी आता है कि दक्षिण अफ्रीका का, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका है उसके बारे में भी काले गोरे का जो रंगभेदवादी नीति, उसका जो भेदभाव किया गया उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जो था उसको दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी उन्होंने नेल्सन मंडेला के ऊपर एक मुकदमा चलाया और उसके अंतर्गत उसको रंगभेद की नीति के कारण उसको सजा दी गई और उसको 28 वर्षों तक जेल में रखा और उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी, उनका रंग उनके आधार पर बांट दिया, जैसे काले और गोरे उसके अनुसार, और तीन चौथाई अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत और श्वेतों के अलावा हम मिश्रित नस्ल के लोग भी थे, उनको रंगीन चमड़ी वाला कहा गया क्योंकि कुछ लोग काले कुछ लोग गोरे, इस प्रकार से उनको रंगीन चमड़ी वाला कहा गया। और भारत से भी कई लोग वहाँ पर थे, गोरे शासकों के अलावा से सभी को छोटा और नीचा मानते थे और ऐसे लोगों को जो काले थे और रंगीन चमड़ी वाले थे उनको वोट देने का भी अधिकार उन्होंने नहीं दे रखा था। इस प्रकार से शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर पर दमनकारी नीति बन गई और उनको गोरों की जो बस्ती होती थी उनके साथ में रहने आदि की भी अनुमति नहीं थी और नहीं उनके साथ में जाकर के बैठ सकते थे, नहीं उनके बराबर बैठ करके काम कर सकते थे। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल, मतलब इनके लिए भी इनके वो और सार्वजनिक शौचालय आदि, इनमें भी इनके लिए गोरों के लिए अलग और कालों के लिए अलग से इंतजाम कर रखे थे। इस प्रकार से आरक्षित जगह, मतलब यहाँ तक कि जो गिरजाघर और मंदिर थे उनमें भी काले गोरों का भेद चलता था। अश्वेतों का संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का भी अधिकार नहीं दे रखा था। 1950 से ही अश्वेत और रंगीन जो चमड़ी वाले लोग थे उन्होंने, भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करने के बावजूद उन्होंने विरोध किया और प्रदर्शन किया, हड़ताली आयोजित की, लेकिन भेदभाव वाले इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन नेशनल कांग्रेस के झंडे, जो झंडा था उनके नीचे एकजुट नहीं हो सके। इस प्रकार से अनेक समझदार संवेदी जो लोग थे उन्होंने रंगभेद समाप्त करने के लिए आंदोलन किए और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ साथ में आए। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने दमनकारी नीति अपनाते हुए इनके विरुद्ध अपने शासन ये जो कार्य था उसको आगे तक जारी रखा। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध जो था और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया और लोगों को ये एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती, इसलिए गोरी सरकार ने धीरे धीरे अपने कानून, नियम, नीति जो थी उनके अंतर्गत बदलाव करना शुरू कर दिया और भेदभाव वाले जो कानून थे उन्होंने धीरे धीरे करके वापस ले लिया।
राजनीतिक जो दलते हैं उनके ऊपर भी लगा प्रतिबंध है, और मीडिया जो था उनके ऊपर जो वो था प्रतिबंध है उनको भी धीरे धीरे उन्होंने हटा ली। और 28 वर्षों तक जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। और 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया, और अंत में दक्षिणी अफ्रीका में भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। रंगभेदवादी शासन व्यवस्था समाप्त हुई और बाद में काले और गोरे दोनों मिलजुल कर अपनी सरकार बनाई, और उन्होंने अपनी मतलब शासन व्यवस्था का जो गठन का रास्ता था वो अलग से खोला। इस प्रकार से वहां पर एकता स्थित हुई। इस प्रकार करने के बाद में जो नेल्सन मंडेला था उसने धीरे धीरे सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चालू कर दिया, और अच्छा व्यवहार चालू करने के बाद में फिर हमारे देश भारत में स्थिति सामने आ गई कि हमको संविधान की आवश्यकता क्यों है। कहने का मतलब यही है हर प्रकार के संगठन कानून कायदे जो होते हैं संविधान उनके अलावा इलाके या कोई भी क्लब हो, सरकारी संगठन हो, राजनीतिक जगत हो या संगठन हो या अन्य कोई दल हो, इन सबको भी एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि एक सब लोग मिलकर के एक झंडे के नीचे एक बैनर के नीचे और एक साथ संगठित होकर के काम कर सके। इसीलिए हमको भी संविधान की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद।